बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो प्रयोजन मूलक हिंदी के तहत लगातार सुन रहे हैं, हम पिछले व्याख्यान में रेडियो पत्रकारिता सुन चुके थे, उसे हम आगे बढ़ते हैं। हम सुन रहे थे समाचार के आधारभूत तत्व क्या है और उसमें पांच बिंदुओं में जो हम बात कर रहे थे, पहला बिंदु था तथ्य परकता, ये इसका आधारभूत तत्व है। यानी तथ्य के बिना वो काम नहीं हो सकता, यानी कोई घटना घटे बिना आप नहीं कुछ भी समाचार बना सकते। समाचार का आधार कोई घटना होनी ही चाहिए, यानी या महत्वपूर्ण बात या यकायक कोई बात या सरकार की नीतियां, तो इन सब में तथ्य अंतर्निहित होता है। उसी समाचार के अंदर वस्तुनिष्ठता, यानी वो वस्तुतः यानी वस्तु के रूप में या जगह के रूप में कुछ घटी है, उसकी निश्चितता कोई न कोई होनी चाहिए, यानी उसका बोध होना चाहिए, उसकी वास्तविकता होनी चाहिए, यानी भौतिक रूप से वो कहीं न कहीं होती है। तीसरा सामयिकता, यानी आपके आसपास की और आसपास की ही नहीं बल्कि ऐसा कुछ अभी हाल ही में हुआ है जो जनसामान्य के लिए बेहद ज़रूरी है, उसको जानना और उसको बताया जाना, इसलिए समसामयिकता उसकी एक पहचान होती है। आप ये उसका महत्व है कि आप उसकी सामयिकता देख करके बात कर रहे हैं। किसी भी कारण से अगर वो पुरानी बात है तब आप उसको नहीं लेंगे, या कारण बताते हुए कि ये भी सामयिक बात है। प्रासंगिकता, बिना प्रसंग के कोई बात नहीं आ सकती समाचार में, यानी उसकी प्रासंगिकता यानी उसका कोई न कोई महत्व भी नहीं है अगर, तो उसे हम नहीं उठा सकते। बिना महत्व के यानी किसी न किसी से उसका समाज से सरोकार होना ही चाहिए। और जैसा कि हम पिछली बार बता चुके हैं, तात्कालिकता यानी वो कितनी नई है, यानी उसके पहले कई बार ऐसे समाचार होते हैं कि जो पहली बार घटते हैं और उसे सुनने के लिए रेडियो पर जब सुना जाता है तो वो सुनने वाला भी महसूस करता है कि वो इस रेडियो से सुन करके ये महसूस करेगा कि उसे एक तात्कालिक समाचार मिला है और उसे ही मिला है। अगर वो नहीं सुन रहा होता तो वो एक महत्वपूर्ण घटना से महरूम रह गया होता। तो रेडियो समाचार संपादन कैसे होता है, आखिर जो समाचार आते हैं उसको वो श्रोताओं तक किस तरह से पहुंचाता है, इसके माध्यम क्या है, तब हम देख सकते हैं कि समाचारों को समझने के लिए उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो मुख्य समाचार बनेगा और रेडियो पर शुरुआत में पहले ही सुनाया जाएगा, उसे हम मुख्य समाचार कहेंगे। इस तरह से समाचार पहले संपादित किए जाते हैं कि गौण समाचार वो मुख्य समाचार, जो गौण समाचार है सामान्य समाचार है वो बाद में लिए जाएंगे और कम जोर दिया जाएगा उस पर, वो मुख्य समाचार कुछ हद तक विस्तार में सुनाए जाएंगे, लेकिन गौण समाचार केवल सुना दिए जाते हैं
लेकिन उसमें भी खास समाचार जो होते हैं उसे ही मुख्य समाचार कहा जाता है। रेडियो समाचार वाचन जब किया जाता है तो उन पर किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाचार वाचन पर ही निर्भर करता है, और ये कह सकते हैं कि समाचार वाचन भी एक कला है जो समाचार वाचक को अर्जित करनी होती है। कैसे? सबसे पहले उसे अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशीलता से ही समाचार वाचक विविध क्षेत्रों का ज्ञान अर्जित कर सकता है। उसे आसपास के बारे में तो जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन जो पुस्तकों के द्वारा जितना ज्ञान वो अर्जित कर सकता है उसे अध्ययन करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वो खाली समय में जिंदगी भर अध्ययनशील रह करके अपने ज्ञान का वर्धन कर सकता है। अगला, वाचन प्रवाह युक्त हो, ये भी वो अभ्यास से ही हासिल करेगा कि प्रवाह कैसे बने उसकी वाचन में। वो जो बोल रहा है उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, उतार चढ़ाव इस तरह से नहीं आना चाहिए, वो एक फ्लो में बहता हुआ पानी की तरह अपनी बात कहेगा। और जब वो वाचन कर रहा है तो वाचन में वाचक का उच्चारण साफ और मानक युक्त रहेगा, यानी वो अगर हिंदी भाषा में बोल रहा है तो वो मानक शब्दों का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी देहात में किसी क्षेत्र की बोली का शब्द वो इस्तेमाल करेगा, बल्कि जो हिंदी के मानक शब्दावली है उसे वाचक का उच्चारण साफ होगा, यानी स्पष्टता से बोला जाए ताकि आसानी से समझने सुनने वाले उसे सहजता से सुन सके। और पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए, यानी पत्रकारिता का ज्ञान हुए बिना तो पत्रकार वो बन ही नहीं सकता। और इस तरह से वो बोले कि श्रोता पूरी तरह से समझ सके। अन्य पत्रकारिताओं में हम देखेंगे टेली पत्रकारिता और वीडियो पत्रकारिता, इन सब पर हम क्रमशः आएंगे। टेली समाचार लेखन के तत्व हम देखने वाले हैं जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है। टेली समाचार प्रक्रिया, एक प्रक्रिया से टेलीविजन के समाचार गुजरते हैं। स्टील फोटो करेक्टर जनरेशन GC ग्राफिक्स लोगों प्रतीक चिन्ह। टेली संवाददाता की कुछ खास विशेषताएं हैं जो आप देख सकेंगे अगले व्याख्यान में। प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति अपेक्षित होती है, और भी उसके बहुत सारे गुण आपको दिखाई देंगे। इस तरह से हम रेडियो पत्रकारिता के बारे में इस व्याख्यान से समझ चुके हैं। वो रेडियो जो हर व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के पास भी हुआ करता था, और रेडियो का एक सबसे अच्छी बात ये हुआ करती थी कि टीवी तो घरों में रहता है, घर पर रहकर ही सुना जा सकता है, लेकिन रेडियो को आप अपने साथ रख करके कहीं भी सुन सकते हैं। ये इसलिए जन माध्यम बनता है, यहाँ तक कि जो गाय भैंस चराने वाले हैं वो भी इसे अपने साथ लेकर के जंगल में गांव से दूर जा कर के दिन भर गाने सुन सकते हैं। और जो प्रबुद्ध जन है वो इसे समाचार जान करके देश दुनिया की खबर से वाकिफ हो सकते हैं। इस तरह से रेडियो एक ऐसा जन सरोकार रखने वाला, जनता का माध्यम था जिसे गरीब जनता अपने पास रख सकती थी। और इसकी जो विशेषता रही वो यह कि यह सर्वसुलभ था, सस्ता माध्यम था, और इसकी